अबे भाई क्या क्या मतलब लड़की ने आई लव यू बोला तो मिर्गी का दौरा पड़ने लग गया बेचारे को, तो वाइब्रेशन मोड पे चला गया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? वो क्या है ना मोदी जी, इनको टिकटॉक हुआ है। अरे इसे फिर से मिर्गी का दौरा पड़ने लग गया। अरे इसको कोई चप्पल दूंगा यार, बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं है। सारी सारी रात तो जागना ही पड़ेगा जब समस्या इतनी गंभीर हो। बवासीर एक आम समस्या है। महोदय पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से एक ऐप है जिसपे मेरा बेटा पूरे दिन पागलों वाली वीडियोस बनाता रहता है। कभी अपने ऊपर पानी डाल के जोर जोर से रोने लग जाता है, तो कभी मेरे कपड़े पहन के लड़की बन जाता है। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इस स्थिति को कैसे संभालूं। ये टिकटॉक वाला है क्या? मेरे प्यारे टिकटॉक, आज मैंने तुम पर एक और वीडियो बनाई। तुम्हारे रहते मुझे कभी कंटेंट की कमी होती ही नहीं। जब भी ऐप खोलो कोई ना कोई नमूना तो सामने आ ही जाता है। मैंने ये चिट्ठी सिर्फ यही बताने के लिए लिखी है कि मैं यहाँ ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ ठीक होगे। पीछे देखो, पीछे। मैं कौन? मैं पीछे तू देखो। टिकटॉक हुआ बैन। ये सच नहीं हो सकता, नहीं हो सकता माँ, मैं कह दूँ ये झूठ है माँ। मैं टिकटॉक बैन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर टिकटॉक बैन हो गया तो जानते हो देश में बेरोजगारी कितनी बढ़ जाएगी। 70% हमारे यंगस्टर जो अपने आप को टिकटॉक के एक्टर्स बोलते हैं, अरे जॉबलेस हो जाएंगे बेचारे। और मेरा क्या होगा यार, मैं तो हर 3 से 4 वीडियोस के बाद एक वीडियो टिकटॉक पर डाल देता हूँ, जैसे कि ये वीडियो, और उस पे मेरे इतने व्यूज आते हैं, मेरे व्यूज का क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, टिकटॉक बैन नहीं हो सकता। तुम सोचो अगर टिकटॉक बैन हो गया तो तुम्हें कहाँ देखने को मिलेंगी ऐसी वीडियोस। चैन मेरा लग गया, दिली विच बैग गया, बोले आते चुप योटी, सब कुछ कह गया, आँखियों ना गोली मार दिया, अंदर लो प्यार बेकार दी। सोचो तुम अपने बालों में कंघी अटका के सर पे हार्ड लिख के ऐसे 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 नमूनों का क्या होगा अगर टिकटॉक बैन हो जाएगा यार। बताओ जितना पानी शरीर में नहीं है उससे ज्यादा अपने ऊपर डाल के ये ऐसी हरकतें करने वाले नमूने का क्या होगा यार। पालिया है प्यार तेरा, पालिया है प्यार तेरा, अब नहीं खोना, अब नहीं खोना। और इनका क्या होगा, लड़कियों से भी ज्यादा अदाओं वाली इन इन मर्द मर्द क्या है ये जो भी है, इनका क्या होगा बताओ मुझे? कहाँ जाएंगे ये लौंडे? YouTube पे आके गंद मचाएंगे फिर, सोच लो तुम। नहीं नहीं नहीं, TikTok बैन मत होने दो यार। और कहाँ पे ऐसे बिना टैलेंट के सिर्फ चीखने चिल्लाने से गंदी शक्लें बनाने से 5 मिलियन फॉलोअर्स मिलेंगे लोगों को, बताओ यार मुझे। 5 मिलियन टिकटॉक को तो बैन कर सकते हो, लेकिन ऐसे लोग तो भाई कहीं पे भी आ जाएंगे। तुम आज टिकटॉक बैन करोगे कल यूट्यूब पे आके गंद मचाएंगे। सल्लू भाई कहते हैं ना, बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं है। ऐप को बैन करने से कुछ नहीं होने वाला, ऐसे लोगों को बैन करो यार। टाइम कितनी तेज चलता है ना, अभी थोड़े दिन पहले मैं टिकटॉक पे रोस्ट कर रहा था और अब देखो टिकटॉक बैन हो गया। अभी भी याद है मुझे जब मैंने पहली बार टिकटॉक को
टिकटॉक बैन होने वाला है, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? मैं कितना भी झुकला लूं, लेकिन सच यही है कि टिकटॉक बैन होने का असली रीजन मैं ही हूँ यार। जितनी रोस्ट, जितनी वीडियोस टिकटॉक पे मैंने बनाई है ना, मुझे नहीं लगता शायद ही किसी ने बनाई है। I am the reason for TikTok का बैन। I've made a severe and continuous lapse in my judgment. TikTok बैन होने वाला है, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? पूरा बॉलीवुड। ऐसा क्यों? कि एक्टिंग देखी है आपने टिकटॉक वालों की, सब के सब जल रहे हैं बॉलीवुड में। सब के सब जल रहे हैं बॉलीवुड में। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। बस यही तो रह गया था बॉलीवुड वालों की जिंदगी में, टिकटॉक वालों से जलना। क्या एक्टिंग करते हैं टिकटॉक वाले? फॉर एग्जांपल दिस वन। इसकी एक्टिंग देख के ऋतिक रोज रात को रोता है, रोज। तो अपनी उम्र के लड़कों जैसा नहीं है रे। क्यों नहीं हूँ? क्यों नहीं हूँ मैं टिकटॉक वालों जैसा? मैंने कुछ भी नहीं किया। अब यार एक बार हम पता कर ही लेते हैं कि टिकटॉक बैन हुआ क्यों है। अब वीडियो बनाई है टिकटॉक के बैन होने पे, तो एक बार छोटा सा बस जल्दी से देख लेते हैं बैन क्यों हुआ है। क्या टिकटॉक बैन होने वाला है? बैन तो नहीं, बट फिलहाल गवर्नमेंट ने इसके डाउनलोड्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाया है। हमने क्या किया है? हमने खराब वीडियोस बनाए, खराब कमेंट्स किए। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा तो आप वो हो जो ऐसी वीडियोस को वायरल करते हैं? Oh damn, she got me. आपने मुझे पहचान लिया। जी हाँ, मैं वही हूँ जो ऐसी वीडियोस को वायरल करता है, वो मैं ही हूँ यार। I am the one. I am the one, the one your son don't need a gun to get respect upon the street. मद्रास हाई कोर्ट ने टिकटॉक के डाउनलोड्स पे टेम्पररी रिस्ट्रिक्शन लगाया है। अब बात गई सुप्रीम कोर्ट में, और इसके बारे में चर्चा होगी 22 अप्रैल को, और हाई कोर्ट में इसकी हियरिंग होगी 24 अप्रैल। अरे मोहतरमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मोहतरमा ने हमें बताया कि टिकटॉक अभी पूरी तरीके से बैन नहीं हुआ है, अभी टेम्पररी बैन है, परमानेंट भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है? अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना। देखो यार, एक टाइम पे यूट्यूब पे भी वो घटिया वाहियात वाली वीडियोस होती थी जिसकी वजह से टिकटॉक बैन हुआ है, पर यूट्यूब वालों ने अपना एल्गोरिथम ठीक करा, वो वीडियोस हटा दी। जब टिकटॉक भी सेम काम कर लेगा, टिकटॉक का भी बैन हट जाएगा। एंड यार पर्सनली मैं भी नहीं चाहता यार टिकटॉक बैन हो यार, कंटेंट का सोर्स चला जाएगा यार हमारे। एनीवेज वीडियो को लाइक कर देना, 1,00,000 लाइक्स का एम है, ठीक है? आज तक की सबसे बड़ी वीडियो, इसलिए सबसे बड़ा एम 1,00,000 लाइक्स, लाइक मारना। अगली वीडियो में मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड हाँ एक चीज और, पीछे देखो पीछे।